बजट है, मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना MSP की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC ST OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC ST OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC ST OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुंझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुंझुना है, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं झुंझुना बजट। बजट है मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना MSP की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC ST OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC ST OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC ST OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुंझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुंझुना है, क्योंकि
क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं झुंझुना बजट। बजट है मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना MSP की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC ST OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC ST OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC ST OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुंझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुंझुना है, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं झुंझुना बजट। बजट है मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना MSP की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC ST OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC ST OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC ST OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुंझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं
तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुंझुना है, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं झुंझुना बजट।